एक बार बता देना, वो अभी मैंने उन्हीं से बात की। किससे बात किया? अनिल बिहार सिंह जो आपके मैनेजर, हाँ, जिनसे आपके नीचे मिले होंगे ना आप, देखते हैं कर, उन्होंने ओके कर दिया। ओके कर दिया, अभी आपके सामने बात हो रही है, ऐसा कुछ हो आप उनको कॉल कर लेना, देन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बिलिंग, अच्छा, बिल कभी कभी हो जाता है कि हमारा बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, तो ऐसा है किसी और के नाम से बिलिंग वगैरह आप करवा दें? वो एक बार देखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम जो करते हैं कि जी यह सोचता है, एक आप कच्चा कार्ड बना लीजिए, परमानेंट आप फॉर्म का कार्ड बना लीजिए, एक होता है ना किसी के साथ एडिंग वगैरह कर लेंगे, उसमें होगा कि एक बिलिंग आपकी एक नंबर में हो जाएगी, एक दो नंबर में हो जाए, ऐसे ही जाते हो ना। हाँ, वो कोई इशू नहीं, हो जाएगा, वो करवा देंगे आप। ये बढ़िया है सर, आपका तरफ से एक मुझे मतलब एक प्रपोजल चाहिए ताकि मैं इसका अप्रूवल ले सकूं। एक प्रपोजल अगर आपकी तरफ से आ जाएगा तो मैं उसका अप्रूवल ले लूँगा। मेरा सजेशन एक ही होगा कि आप अगर ये पूरा लुधियाना को सेक्टर वाइज डिवाइड करके, मानिए मंडे का ये एरिया, ट्यूजडे का ये एरिया, ऐसे करते हैं तो पूरा फुटफॉल डिवाइड हो जाएगा, रोज का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, या संडे का, तो सात दिनों का एक एक जगह रख दिया। बहुत से बात हुई है तो वो कह रहे हैं इसका एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, कॉर्पोरेट अप्रूवल लेना पड़ता है, एज ए स्पेशल केस जो है हम आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन इसका ना पूरा बिजनेस केस जो है वो हेड ऑफिस जाना होता है। उनको डायरेक्ट लाता हूँ बल्क में और शॉपिंग कराता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट नील है, ठीक है, मैं उनसे भी लेता हूँ, आप 2% देते हो बंधन में मुझे, तो क्या मुझे कितने परसेंट एक टाइम में अलाउ हो जाएंगे? मैंने यहाँ हाउसिंग सोसाइटी मेंबर बनाए हैं, मान लीजिए एक टाइम में मैं 50-100 बस लेके आऊँगा और उनको शॉपिंग कराऊँगा। मैं कर सकते सर, नॉट एन इशू, मेरे को ना एक मंडे तक थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग पहली बार हमको अप्रोच आ रहा है ये वाला, लेट मी डिस्कस विथ माई जनरल मैनेजर एंड देन आई कैन कम बैक टू हाउ बेस्ट आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, इफ इट इज फाइन। एक कार्ड पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी, तो 3 कार्ड होंगे तो 12 लोग तो वैसे भी आ सकते हैं। हाँ, होल डे में तो आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई इशू। मैं बाहर रखता हूँ उनको और इस तरीके से शॉपिंग कराता हूँ, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी मेरे इधर कस्टमर आते हैं, सुबह एक बार शॉपिंग करते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को आते हैं। लेकिन वो पर्सनल नहीं करते होंगे ना, रिटेल में नहीं करते होंगे? पर्सनल वाले भी कुछ कुछ होते हैं,